जितनी भी गाड़ियां रोड पर चलती हैं, अब उनमें इंस्टॉल कर दिया जाएगा एक अलर्ट सिग्नल। ये अलर्ट सिग्नल ऐसे टाइप का सिग्नल होगा जो आपको अलर्ट करेगा अगर आपका गाड़ी चलाते समय ध्यान इधर उधर होता है। बिल्कुल होता है, गाड़ी चलाते समय ध्यान इधर से उधर होता है। और आपको बता दें, ये जो अलर्ट सिग्नल है, ये आपको अलर्ट करेगा कि कोई आपके आसपास से कोई साइकिल पर गुजर रहा है, कोई आपके आसपास से मोटरसाइकिल से गुजर रहा है, स्कूटी से गुजर रहा है या पैदल गुजर रहा है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपके आसपास से जो लोग गुजरते हैं, गाड़ी चलाने वाले, यानी चार पहिया गाड़ी, चार टायरी गाड़ी चलाने वाले अपने आसपास से चलते, स्कूटर, स्कूटी वाले, साइकिल वाले या पैदल चलने वाले लोगों को समझते ही कुछ नहीं है। एक तो उनके पास गाड़ियां हैं और गाड़ियों में उन्होंने इतना ज़्यादा साउंड यानी इतनी ज़्यादा वॉल्यूम ऑन की होती है कि उन्हें आने जाने वालों का पता ही नहीं चलता, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है यानी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और मौत हो जाती है। लेकिन अब मैं आपको बता दूँ कि जितनी भी गाड़ियाँ रोड पर चलती हैं, जो गाड़ियाँ आपने खरीद ली हैं, जो गाड़ियाँ आप खरीदने वाले हैं या आप अपना मन बनाने वाले हैं कि आप गाड़ी लेने वाले हैं, अब इनबिल्ट यानी कंपनीज को भी ये कहा गया है कि जो गाड़ियाँ पहले से ही लोग खरीदेंगे उनमें आप जो है इनबिल्ट ये कोलिजन सिस्टम जो है यानी सिग्नल जो है वो इंस्टॉल कर दें। और जो गाड़ी आपके पास ऑलरेडी है, आपके पास ऐसा जो है अलर्ट सिग्नल नहीं है उस गाड़ी में, आपको लगवाना पड़ेगा लेकिन कंपनी से जाकर। और अब मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से, उन्होंने जो है वो फाइनलाइज कर लिया है। और फाइनलाइज की जिस तरह से मैं बात करूँ, साल 2024 में कहा गया है कि कोई भी गाड़ी जो है वो ऐसी नहीं होगी जिस तरह से ये गाड़ियाँ जो है वो वहाँ पर चल रही हैं। और आगे जब मैं इसे पढ़ती हूँ तो बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर लिखा गया है कि लोगों के जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं उन एक्सीडेंट को देखते हुए इनबिल्ट कोलिजन वार्निंग सिग्नल जो है वो गाड़ी में लगाया जाएगा। और आपको बता दें क्यों लगाया जाएगा, इसका पर्पस क्या है। जब भी कोई चीज़ की जाती है आपको पहले उस खबर को समझना पड़ेगा। ये इसीलिए है क्योंकि मैं आपको बता दूं, मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया है कि जितने एक्सीडेंट साल 2023 में हुए हैं 24 में उससे आधे भी ना हो, लेकिन फिर भी गाड़ियां चलती हैं, एक्सीडेंट होते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो ऑफिशियल डाटा मेरे पास है, 21.4% रोड एक्सीडेंट है। किसकी वजह से? जो पीछे से यानी गाड़ी को बैक की तरफ से हिट किया गया है। उसी के साथ 15.4 एक्सीडेंट ऐसे हैं जिन्हें साइड से हिट किया गया है, और 3.1 ऐसे हैं जो पार्क्ड व्हीकल ही हिट हो चुके हैं। बहुत बड़ा जो है वो डाटा है। मैं आपको बता दूं, कमर्शियल व्हीकल हो चाहे आपकी प्राइवेट व्हीकल हो, अब आपको मूविंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो लगाना पड़ेगा अपनी चार पहिया गाड़ी में। और चाहे आपके आसपास से पेडेस्ट्रियन गुजरे या साइकिलिस्ट गुजरे, इसके लिए आपको जो है खुद काम करना है। वैसे भी जब आप गाड़ी चलाते हैं, आपका फैमिली मेंबर बैठा हो, आपको फ़ोन कॉल आते हैं, आपका ध्यान जो है वो गाड़ी पर नहीं होता, आपका ध्यान सिर्फ होता है फ़ोन कॉल पर, या आपका आप कुछ और ही सोचते हैं, आप मेंटली कहीं और होते हैं, फिजिकली आप गाड़ी में बैठे होते हैं, जिसकी वजह से हादसे होते हैं। क्योंकि आजकल आप देखिए कि आधी से ज़्यादा दुनिया जो है वो डिप्रेशन की मरीज़ है। इसलिए रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने ये फैसला लिया है कि वो यहाँ पर जो है एक काम करेंगे, एक ड्राफ्ट उन्होंने फाइनलाइज़ किया है जिसमें जो है सीनियर गवर्नमेंट ने बताया यहाँ पर कि ऐसा होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि साल 2024 में ये फैसला लिया जाएगा, ये सारी चीज़ों में इंस्टॉल कर दिया जाए, आने वाले समय में जो है एक्सीडेंट कम हो पाए। अब मैं आपको ये भी बता दूं, MOIS, ऐसे मैंने कहा मूविंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जिस तरह से यहाँ पर बात की जा रही है उसको लगाने की, तो उसकी वजह से जो है वो रोड हादसे कम होंगे। और ये देखा गया जो गाड़ी फुल स्पीड में आती है ना, वो सोचती है अगले सिग्नल पे कोई नहीं मिलेगा, वो फुल स्पीड से जाती है, लेकिन अचानक से कोई जो है आ जाता है, यानी जिस तरह से कोई साइकिल सवार आ जाता है, कोई पैदल व्यक्ति गाड़ी के आगे आ जाता है, तो एक्सीडेंट हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ काम कैसे करेगा। जब आप गाड़ी चलाएंगे तब आप इस सिग्नल को ऑन कर लेंगे, यानी अगर आपके आसपास कोई आ रहा होगा तो आपको पता चलना चाहिए कि कोई जो है वो आ रहा है। और ये आपको बताएगा कि ये सिग्नल देगा कि आप गाड़ी की गति धीमी रखें, आसपास कोई आ रहा है। किसी टाइम आप इतना स्लो गाड़ी लेकर जाते हैं, आपको लगता है अरे ये तो हाईवे रोड है, यहाँ पर कोई आएगा नहीं, लेकिन आपको बता दें कि वहाँ पर भी अक्सर जो है वो हादसे हो जाते हैं। अब इन हादसों को रोकने के लिए वनरेबल रोड यूज़र्स जो हैं वो इसे इस्तेमाल करेंगे और अपनी सेफ्टी को जो है वो भी ध्यान में रखेंगे और दूसरों की सेफ्टी को भी ध्यान में रखेंगे। अब मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही आपने गाड़ी चलाई, ये सिस्टम ऑन हो गया, आपको बता दिया,
अब जो सिग्नल है, जब आपने एक बार खतरा क्रॉस कर लिया, यानी जिस तरह से अभी मैं आपको खबर बता रही हूँ, मेरे अगले सिग्नल पर जो है मुझे पता चलेगा कि ये खतरा है। उसके बाद में जब मैं उसको खतरे को पार कर लेती हूँ, वो सिग्नल बंद हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद में एक फ्रेश दोबारा से शुरू होगा, वो अगले रूट पर आपको बताएगा कि खतरा है या नहीं है। बहुत अच्छी मैं कहूँ कि इनिशिएटिव लिया गया है हादसों को रोकने के लिए। हम अक्सर कहते हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ में हादसे बहुत कम होते हैं, एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं, वहाँ पर रोड सेफ्टी को ध्यान में रखा जाता है। अरे उनकी गाड़ियों में भी ऐसे सिस्टम इनबिल्ट है जो आपको हादसा होने से पहले बताते हैं, तो उनकी गाड़ियों में क्यों, हमारी गाड़ियों में क्यों नहीं? मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने ये फैसला लिया है, हाईवेज़ ने ये फैसला लिया कि बिल्कुल ऐसा इन गाड़ियों में भी होगा। साल 2024 में आपको इनबिल्ट कोलिजन जो है वो सिग्नल सिस्टम लगाना है ताकि हादसे कम हो। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ये उन लोगों के लिए खबर है जिन्होंने अपना कोई प्यारा इस हादसे में खोया और वो ये चाहते हैं कि किसी के घर का चिराग ना बुझे, किसी के घर का कोई ना जाए। तो सरकार देर से ही सही ट्रैक पर आई तो ज़रूर है, लेकिन आप लोग भी कॉपरेट करिएगा। अब आप लोग कहेंगे कि ये लगेगा कब, कब लगेगा, कब लगेगा? मैं आपको बता दूं कि साल 2024 से पहले सब गाड़ियों में लगेगा, जो चार पहिया वाहन है, जो फोर व्हीलर है, चाहे कमर्शियल हो चाहे प्राइवेट हो, हर एक गाड़ी में ये सिस्टम लगने, सिग्नल सिस्टम लगने वाला है। और ये अलर्ट है, एक हिसाब से आपको अलर्ट किया जाएगा ताकि कोई भी एक्सीडेंट का खतरा आपके आगे हो तो आप उसे भांप ले और एक्सीडेंट होने से रुक सके।